सुबह सवेरे जागकर सबके लिए चाय बनाती है, नहा धोकर फिर सबके लिए नाश्ता बनाती है, पति को विदा कर बच्चों का टिफिन सजाती है, झाड़ू पोछा निपटाकर कपड़ों पर जुट जाती है। पता ही नहीं चलता कब सुबह से दोपहर हो जाती है, फिर से सबका खाना बनाने किचन में जुट जाती है। सास ससुर को खाना परोस स्कूल से बच्चों को लाती है, बच्चों संग हंसते हंसते खाना खाती और खिलाती है, फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ थेला थाम बाजार जाती है, घर के अनगिनत काम कुछ देर में निपटा कर आती है। पता ही नहीं चलता कब दोपहर से शाम हो जाती है, सास ससुर की चाय बनाकर फिर से चौके में जुट जाती है, खाना पीना निपटा कर फिर बर्तनों पर जुट जाती है, सबको सुलाकर सुबह उठने को फिर वो सो जाती है। हैरान हूँ दोस्तों ये देखकर कि 16 घंटे ड्यूटी बजाती है फिर भी एक पैसे की पगार नहीं पाती है। न जाने क्यों दुनिया उस औरत पर चुटकुले बनाती है जो पत्नी माँ बहन बेटी न जाने कितने रिश्ते निभाती है, सबके आंसू पोछती है लेकिन खुद के आंसू छुपाती है। नमन है मेरा घर की उस लक्ष्मी को जो घर को स्वर्ग बनाती है।